हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, श्रद्धेय सुमन, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने जो है संशोधित किया है परीक्षा तिथि में, और ये जो परीक्षा तिथि में संशोधन हुआ है इसके बारे में आपके लिए जानकारी है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि श्रद्धेय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी अपलोड कर दिए हैं। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था और डेटशीट तो पहले ही यूनिवर्सिटी ने अपनी अपलोड कर दी थी। तो चलिए, यहाँ पर कुछ चेंजिंग हुआ है आपके एग्जामिनेशन डेटशीट में। इन्होंने कहा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि श्रद्धेय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम थोड़ा आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें कहा है कि जो 12/4 में आंशिक संशोधन करते हुए 15/5 को संपादित होने वाली NEP सत्र 2023-26 स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर विषय मानव विज्ञान की परीक्षा 28/5 को पूर्व निर्धारित समय पर संपादित की जाएगी। शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेंगे। बाकी जो है इसको जो है सब स्टूडेंट्स शेयर करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। क्योंकि उनका मानव विज्ञान का जो पेपर होना है, वह जो होना था 15 तारीख को और 12 तारीख को, तो उसमें अब वह पहुंच गया है आपका 28 तारीख को। ठीक है, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि 12/4 में आंशिक संशोधन करते 15/5 को संपादित होने वाली NEP सत्र स्नातक विश्व मानव विज्ञान की परीक्षा 28 को पूर्व निर्धारित समापन संपादित की जाएगी। समय वही रहेगा। तो ये जानकारी थी, इसको स्टूडेंट्स सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुँचे कि उनका जो है पेपर संशोधित हो गया है। बाकी सब जो है उन्होंने कहा कि चूँकि तू रहेगी। चलिए, आज बहुत सारे नोटिफिकेशन है, सबको स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड कर देते हैं। तब तक आप शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए।